प्यारे बच्चों, आज हम क्लास दो यानी सबक नंबर 13 दिवाली का जो लेसन है वो पढ़ेंगे। यानी जो आपका T2 है वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है। तो बच्चों बुक खोलो और देखो, दिवाली हिंदू का एक मशहूर और कदीम त्यौहार है। बोलते हैं जो दिवाली है वो हिंदू लोगों का क्या है, एक मशहूर त्यौहार है। इसे हर साल सर्दियों के शुरू में बड़ी धूमधाम से सारे हिंदुओं में मनाया जाता है। बोलते हैं जो दिवाली है उसे हर साल यानी सर्दी के शुरू, जब सर्दी शुरू हो जाती है तो बड़ी धूमधाम से जो हिंदू लोग हैं उसे मनाया जाता है, उसे मनाते हैं। आम अकीदा ये है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका फतह करने के बाद सीता जी को साथ लेकर वापस अयोध्या लौटे तो लोगों ने बेहद खुशी मनाई। बोलते हैं आम अकीदा यानी आम बात है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका फतह करके सीता जी को वापस आए, वनवास से वापस आए तो घर घर में सब लोगों ने खुशियाँ मनाई यानी दीप जलाए। उस दिन की याद में ये त्यौहार अब हर साल मनाया जाता है। बोलते हैं उस दिन की त्यौहार में, किस दिन की त्यौहार में, जब रामचंद्र जी ने सीता को वनवास से वापस लाया तो वो हर साल इस दिवाली को मनाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर छोटे बड़े नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। बोलते हैं जो दिवाली होती है उस दिन सारे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तोहफे तलुक देते हैं। इसके अलावा आतिशबाजी पर भी बहुत सा रुपया खर्च करते हैं। बोलते हैं उस दिन क्या करते हैं, नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं और आतिशबाजी में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं यानी पटाखे बहुत सारे छोड़ते हैं आतिशबाजी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये एक मौसमी त्यौहार है। बोलते हैं बाज़ यानी जो लोग हैं उनका ख्याल है कि ये क्या है, ये मौसमी त्यौहार है। बरसात के 22 कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। बोलते हैं जो बरसात का मौसम होता है उसमें क्या कीड़े मकोड़े बहुत सारे निकलते हैं, जिनमें से बाज़ जहरीले भी होते हैं यानी उसमें सांप भी निकलते हैं जो जहरीले होते हैं। इसलिए बरसात के बाद और सर्दी का मौसम शुरू होने पर गहों को सफाई निहायत ज़रूरी है। यानी जब बरसात ख़त्म होने को आती है तो वो क्या करते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं। यही वजह है कि दिवाली के मौके पर लोग मकानों और दुकानों की सफ़ेदी कर लेते हैं। बोलते हैं यही वजह है कि लोग जब बरसात का मौसम ख़त्म होता है तो सर्दी का मौसम शुरू होता है यानी बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े जहरीले सांप निकलते हैं तो वो सफाई शुरू कर देते हैं, किसका, मकानों का, दुकानों का, हर जगह वो सफ़ेदी कर लेते हैं। दिवाली के मौके पर बाज़ारों और घरों को खास तौर पर सजाया जाता है। बोलते हैं दिवाली के मौके पर क्या करते हैं हिंदू लोग, घरों को सजाते हैं, बाज़ारों को सजाते हैं, हर जगह वो सजा लेते हैं। हलवाइयों की दुकानों पर बड़ी रौनक होती है। बोलते हैं जो हलवाइयों की दुकानें होती हैं उनमें क्या होती है, बहुत सारी रौनक होती है, हर घर में मिठाई आ जाती है। बोलते हैं हर घर में मिठाई बेचते हैं, तोहफे बेचते हैं, सब छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, रात को लक्ष्मी देवी की पूजा भी करते हैं। बोलते हैं जब रात को जाती है तो क्या करते हैं, अपने घरों में वो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। दिवाली के त्यौहार की एक और खासियत ये है कि इस दिन शाम से ही पटाखे छोड़ने शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं दिवाली जो होती है उस दिन उनका खास मौका एक ये भी होता है कि वो रात से ही पटाखे छोड़ना शुरू हो जाते हैं तो सुबह तक, और हर घर में वो मिठाई बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, तोहफे देते हैं एक दूसरे को। रात को मकानों, दुकानों और दीवारों पर शमा, बिजली के दिए जलाते हैं, जो वो लड़ियाँ जैसी होती हैं, लाइटें जो होती हैं वो अपने घरों के बाहर लटकाते हैं, वो जलाते हैं और अपने मकानों को चमकाते हैं, दुकानों को, हर जगह बाज़ारों में मुख्तलिफ रंगों की अजीब पैदा कर लेते हैं। बोलते हैं मुख्तलिफ किस्म की बिजली
बिजली उनकी वो जो लड़ियाँ जैसी होती है लगाते हैं, हर किस्म हर रंग के होते हैं वो, और हर घर में मिठाई फल तोहफे भेजते हैं। सिर्फ दिखावट के लिए आतिशबाजी और चरागे पर रुपया खर्च करना अच्छा नहीं होता है। बोलते हैं इतने पैसे भी आतिशबाजी पर खर्च करना अच्छी बात नहीं है, और अक्सर बे एहतियात के बास मकानों को आग लगने का खतरा भी होता है। बोलते हैं आतिशबाजी उतनी मत करो कि जिससे नुकसान हो जाए, मकानों को आग लग सकती है, इसलिए कि एहतियात से करना चाहिए। जो भी काम करना होता है वो एहतियात के तौर पे करना होता है जिसमें खतरा ना हो, और कभी आतिशबाजी से इंसानी जाने भी तल्ख हो जाती, तल्ख यानी ज़ाया। बोलते हैं इससे इंसानों की जो जान होती है वो ज़ाया भी होती है, इसलिए सोच समझ कर पटाखे जलाने होते हैं। तो ये आपका क्या था लेसन, अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे अल्फाज माने। फूल जड़ी क्या हुई, वो आतिशबाजी जिससे फूल जड़ते हैं। बोलते हैं वो आतिशबाजी करते हैं वो से ना जिससे फूल भी जड़ते हैं। तल मैंने अभी आपको बोला था तल क्या हुआ जाया। धूमधाम शानवा शोकर हलवाई मिठाई वाला रोना चमक धमक बनवास जंगल में रहना, यानी बनवास क्या हुआ जंगल में रहना। तो लेसन बच्चों अच्छी तरह घर में गर्म